नमस्कार, मैं शिक्षा क्रांति के मंच पर दोबारा से उपस्थित हुई हूँ। कुछ समय पहले नवरात्रे थे जो कल ही समाप्त हुए हैं। उस दिन पहले मैंने सर से नवरात्रों पर संवाद किया था। उसमें हमारे कुछ प्रश्न थे जो अधूरे रह गए थे और तकनीकी खराबी से हम इस वीडियो को आगे नहीं कर पाए। तो आज मेरे सर से क्वेश्चन है जो सर बताएंगे मुझे। सर से मेरा उस दिन एक क्वेश्चन अधूरा रह गया था कि सर, डू यू बिलीव इन गॉड? मेरी जितनी भी सेल्फ रियलाइजेशन है, कही हुई बातों में, सुनी सुनाई बातों में, किताबों में लिखी बातों में, विश्वास करने की यह मोहलत नहीं देता है जो मेरी एक सेल्फ रियलाइजेशन है, अस्थि बोध है। क्योंकि मुझे ज़्यादा विश्वास उस पर होता है जो मैंने चीज़ें अनुभूत की है, जो मैंने अनुभव किए हैं या जो ज़िंदगी मैंने जी है, उस पर मेरा ज़्यादा विश्वास रहता है। लेकिन क्या होता है, जो मेरे अनुभव है, जब किताबी बातों से मेल खाना शुरू करते हैं तो स्वतः ही मेरा विश्वास उस परम शक्ति की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी एक, चाहे आप ईश्वर कहो, परम शक्ति कहो, या कुछ भी आप कहो, सुपर नेचुरल पावर कहो, तो मेरा विश्वास जागृत होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने नहीं पढ़ी है, पहले मुझे अनुभूत हुई। उदाहरण के लिए स्वच्छता ही जैसे हैं, उदाहरण के लिए योग ही जैसे हैं, तो योग मैंने कभी पढ़ा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैंने अनुभूत की हैं, लेकिन जब आज मैं पतंजलि के अष्टांग योग को पढ़ता हूँ तो काफ़ी चीज़ें उनसे मिलती जुलती है जो मैंने अनुभूत की है, अनुभव की है। तो आप बताएं, मेरी आस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर, बिल्कुल होनी चाहिए। स्वतः ही होनी नहीं चाहिए, वो स्वतः ही हो जाती है। जब मेरी बातें, मेरे अनुभव पुस्तकों में दिए गए ज्ञान हैं या फिर जो सत्य है उनसे मेल खानी शुरू करती हैं, तो मेरा विश्वास उन चीज़ों की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। सर, क्या आपको लगता है कि जहाँ पर बच्चों का, मतलब कन्याओं का सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करता है? देखिए, बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें देवता की परिभाषा समझनी होगी। सार्वभौमिक देवता की परिभाषा होती है कि जो देता है और बदले में कुछ नहीं लेता है। उदाहरण के लिए हवा जो है, पवन देव है, हमें जीवन सांसें दे रहा है, बदले में कुछ मांग रहा है, उल्टा ही हम कचरा दे रहे हैं पवन देव को। और जल देव हैं, अग्नि देव हैं, ये मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं। देव का मतलब है जो देते हैं, बदले में कुछ नहीं लेते हैं। जहाँ कन्याओं की पूजा होती है, इसका मतलब है वहाँ पे हम सद्भावना पैदा करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का मतलब ये है। पूजा का मतलब यहाँ हमारे लिए सम्मान है। पूजा का मतलब ये नहीं कि धूप दीप थाली लाओ और पूजा करनी शुरू कर दो। वो भी ठीक है, साल में 7-8 दिन कर दिया तो कर दिया, वो भी एक प्रतीक है। प्रतीकों का अपना महत्व है, प्रतीकों में भी परम तत्व है। लेकिन पूजा का मतलब यहाँ है कि सम्मान किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? मान लीजिए मैं और मेरा भाई साथ रह रहे हैं, हम अगर एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वहाँ पे हमारे बीच एक संबंध सेतु बन जाएगा, सद्भावना पैदा होगी, हमारे बीच प्रेम पैदा होगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ मैम, क्या प्रेम और सद्भावना देव नहीं है? सर, बिल्कुल है। ईश्वर, प्रेम को तो हम ईश्वर मानते हैं जी, बिल्कुल सर। तो प्रेम ईश्वर है तो सद्भावना भी वैसे ही देव तुल्य है, ब्रह्म तुल्य है, यानी ईश्वर तुल्य है। तो स्वतः ही जहाँ पे कन्याओं का, क्यों, जहाँ पे बालकों का भी, जहाँ पुरुषों का भी सम्मान किया जाता है, वहाँ भी देवता ही विराजमान होते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ कन्याओं का पूजन किया जाता है, यानी जहाँ कन्याओं का सम्मान किया जाता है, उन्हें उनके हक दिया जाता है, उन्हें वो चीज़ दी जाती हैं जिसकी वो अधिकारी है, तो क्यों नहीं वहाँ पर देवत्व पैदा होगा? क्यों नहीं वहाँ पे देवता वास करेंगे? यानी देवता मतलब प्रेम के देवता, सम्मान के देवता, संबंध के देवता, सद्भावना के देवता, हर प्रकार के शांति की देवी वास करती है। आप बताएं जरा, जहाँ कन्याओं का नहीं सम्मान होगा क्या होगा? वहाँ पे कितनी देर तक आप खुश रह पाएंगे? किसी परिवार में अगर बेटी को लानत मलानत की जाती हैं या बेटी का सम्मान नहीं किया जाता है, आपको लगता है वो परिवार सुखी रह सकता है? वो परिवार कभी भी शांति वहाँ परिवार में नहीं हो सकती। तो ये बड़ी व्यवहारिक बातें हैं, ये कोई अंधविश्वास वाली बातें नहीं है। नहीं तो आप बताएं जी, जो मैंने आपसे कहा कन्याओं का पूजन किया जाता है या नारी का पूजन किया जाता है, वहाँ पे देवता वास कर सकते हैं? बिल्कुल सर, जहाँ पर कन्याओं का और नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवता जरूर वास करते हैं। और सबसे बड़ा देवता है सद्भावना, सद्भाव, प्रेम जी सर, शांति,
जी सर। सर मैं और आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हमारा ये चैनल है स्वच्छता का, इस चैनल के माध्यम से लोग और बच्चे इंग्लिश ही नहीं कुछ और भी सीखते हैं, और आप इस चैनल पर और हमें आगे क्या क्या देखने को मिलेगा? जी मैम, मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि शिक्षाप्रद ही कुछ सामग्री विस्तृत की जाए, प्रचारित और प्रसारित की जाए, जैसे कि भाषा तो उनमें से एक है ही है, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य स्किल और वैल्यूज़ प्रमोट करना है। स्किल्स का मतलब है कम्युनिकेशन स्किल, वैल्यूज़ मतलब जैसे सद्भावना है, स्वच्छता है। तो हमारी जितनी भी सामग्री इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत होगी उनका उद्देश्य एकमात्र स्किल और वैल्यूज़ होगा, यानी बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल बढ़े, संप्रेषण कला बढ़े। हमारा यह रहेगा कि बच्चे जो है अगर वो कुछ भी सीख रहे हैं तो संप्रेषण कला उनके साथ साथ बढ़ती रहे और वैल्यूज़ भी बढ़ती रहे। और कई बार हम सफाई अभियान भी इसमें ज़रूर डालेंगे। आप पूछेंगे कि क्यों, सफाई अभियान भी शिक्षा का ही एक अंग है, क्योंकि जब हम शिक्षा क्रांति की बात करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ स्कूल और कॉलेज ही नहीं है बल्कि जन शिक्षण का कार्य भी हो रहा है। यानी शिक्षण का मतलब है कि हमें स्वच्छता साक्षरता भी लानी है, यानी स्वच्छता के रूप में हमें लिटरेट ही नहीं होना बल्कि एजुकेट भी होना है। लिटरेट होने का मतलब है टू बी एबल टू रीड एंड राइट, यानी साक्षर होना। जब हम अक्षर को लिखने और पढ़ने के योग्य हो जाते हैं तो हम क्या होते हैं, लिटरेट हो जाते हैं, लेकिन एजुकेट नहीं होते हैं। और एजुकेट होते हैं जब हम जो हमने पढ़ा है लिखा है जब उस पर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, यानी रीड राइट भी करते हैं और उस पर रिफ्लेक्ट भी करते हैं, अपने जीवन में भी उतारते हैं। तो हमारा इस चैनल के माध्यम से जब भी हम कोई भी सफाई अभियान करते हैं या इसके माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं तो हमारा जन शिक्षण का कार्यक्रम भी है कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो हम चाहते हैं कि जनमानस में स्वच्छता के प्रति चेतना जागृत हो, ना केवल वो स्वच्छता लिटरेट बने बल्कि स्वच्छता एजुकेट भी बने। क्योंकि अधिकतर देखने को आता है कि हम लिटरेट तो होते रहे, एजुकेट नहीं होते रहे। आप मानते कि नहीं मानते, एजुकेशन का मतलब थोड़ा व्यापक होता है, उसमें विद्या भी आती है, स्किल भी आती है, वैल्यूज़ भी आती है। आज तक जो हमारी शिक्षा प्रणाली बड़ी है ज़्यादातर हमारा फोकस रहा है कि साक्षर बनाओ, साक्षर साक्षर से आगे हम एजुकेट नहीं हुए। तो हमारा यह उद्देश्य है कि ना केवल हम लिटरेट बनाएं बल्कि एजुकेट भी करें, चाहे वो स्वच्छता साक्षरता हो, चाहे वो जल साक्षरता हो, चाहे वो यौन साक्षरता हो, यौन संबंधी साक्षरता हो, वैल्यूज़ और स्किल्स है। तो जितने भी कार्यक्रम वैल्यूज़ और स्किल्स से ओरिएंटेड होंगे, रिलेटेड होंगे, हम इस चैनल के माध्यम से देने वाले हैं। अब आप पूछेंगे मैम कि मुख्य तो क्या रहेगा, मुख्य तो हमारी रहेगी भाषा, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम स्वच्छता भी ला सकते हैं और ज्ञान तक भी जा सकते हैं। जैसा हमारा गीता ज्ञान कहता है, ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, यानी ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। तो हम भाषा को ज्ञान तक भी ले जा सकते हैं, भाषा के माध्यम से बाहर भी स्वच्छता ला सकते हैं। कैन यू टेल अस न्यू वोकैबुलरी वर्ड? श्योर श्योर, व्हाई नॉट। जैसे अभी हम बता के हटे हैं, आप एक लिटरेट और एजुकेट में तो मैंने बता ही दिया आपको कि लिटरेट क्या होता है और एजुकेट क्या होता है। लिटरेट हो गया, एजुकेट हो गया, फिर आगे इनकलकेट करना चाहते हैं। इनकलकेट, INCULCATE, इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बताना, सिखाना, बार बार दोहरा के कर्म में उतार के, यानी टू मेक स्टूडेंट्स लर्न समथिंग बाय टेलिंग देम ओवर एंड अगेन। इनकलकेट लाइक, जैसे उदाहरण के लिए आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट इन स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ स्वच्छता। यू शुड इनकलकेट इन योर चिल्ड्रन द वैल्यू ऑफ स्वच्छता, यानी आपको अपने बच्चों को स्वच्छता का मूल्य सिखाना चाहिए। सो यू शुड इनकलकेट द वैल्यू ऑफ स्वच्छता इन योर चिल्ड्रन, लाइक वी आर ट्राइंग आर बेस्ट टू इनकलकेट द वैल्यू ऑफ स्वच्छता इन आर चिल्ड्रन। सो दूसरा मैं बताना चाहूँगा कल्मिनेट, आप साथ साथ ही मुझे वैसे याद आ रहा है, कल्मिनेट, कल्मिनेट इन समथिंग। कल्मिनेट का मतलब होता है कि एक परिणाम तक पहुंचना। जैसे हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल शुड कल्मिनेट इन सेल्फ रियलाइजेशन, यानी जो आप कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं ये कम्युनिकेशन नहीं है, ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, ये आपकी स्वयं को जानने की यात्रा है, स्वज्ञान की यात्रा है। तो आप सेंटेंस लिखिए, कम्युनिकेशन शुड कल्मिनेट इन सेल्फ रियलाइजेशन,
यानी कम्युनिकेशन कहाँ तक पहुँचनी चाहिए, उसका परिणाम क्या होना चाहिए कि आपको आत्मबोध जागृत होना चाहिए, वही कम्युनिकेशन है। तो हम ये भी सिखाने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। सर, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो शोषित है, चाहे वह कन्या है, चाहे वह नारी है, चाहे वह पुरुष है, उन सबको आगे आना चाहिए। और हमारा माध्यम वीडियो बनाना नहीं है, इस वीडियो के ज़रिए आप कुछ भी सीख सके तो वो हमारा लक्ष्य होगा। बस धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट दीजिए जो आपको अच्छा लगे, और जो क्वेश्चन आप पूछना चाहें वो आप लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।